सिट डाउन। पिछले हफ्ते हमने कौन सा पाठ पढ़ा था, कुछ याद है? एक बच्चा बताओ। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हड्डी जो मैंने उस दिन बताई थी, जिसकी सुरक्षा हम लोग बहुत करते हैं, खोपड़ी। हमारे खोपड़ी की हड्डियां, खोपड़ी की हड्डियों में, जिसको याद नहीं हो मैं आपको चित्र दिखाती हूँ फिर से। ये पढ़ा था, ये हमारे पूरे शरीर का ढांचा। इसकी तुलना मैंने किससे की थी? छाते से। कि अगर छाते में जो लोहा की जो सीख लगी होती है, अगर वो निकाल दें तो खड़ा नहीं हो सकता। अगर हमारे शरीर में से सारी हड्डियां निकाल दें तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? ऐसे ना खड़े हो पाएंगे, ना कुछ काम कर पाएंगे, और हमारे शरीर की कोई भी आकार और आकृति नहीं होगी। और हमारे पूरे चेहरे पे जो मांस से ढका है, क्या इसमें भी हड्डियां हैं? इस हड्डियों में कौन कौन से अंग हमारे सुरक्षित रहते हैं? सब लोग एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, तुम बताओ, एक साथ नहीं बताना, मतलब अंग बताओ कौन कौन से सुरक्षित हैं? ये आपका ये चेहरा है, इस चेहरे में हड्डियां हैं, हड्डियों में कौन सा अंग सुरक्षित है? जोर से बोलो। मस्तिष्क, आंख, नाक, कान, और कौन सा जबड़ा हिल सकता है? नीचे वाला जबड़ा। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद जो आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है छाती की हड्डियां। ये वाला हाथ निकालो अपना और ऐसे बीच में रखो, सबको महसूस होगा। क्या कहते हैं इसको? ऐसा पिंजड़ा दिख रहा है आप? दिख क्या रहा है, महसूस हो रहा है? ऐसे यहाँ से शुरू करो, यहाँ से ऊपर कॉलर, यहाँ से ये देखो ऐसे, और आगे हाथ घुमाते जाओ तो ऐसे दिख रही है, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है? ये पूरा पिंजड़ा महसूस हो रहा है? और ये पिंजड़ा कहाँ तक है? पीछे, पीछे तक है। इसके अंदर कौन से अंग सुरक्षित हैं? फेफड़े और हृदय। फेफड़े और हृदय, हमारे इस छाती की हड्डियां जिसको वक्ष भी हम लोग कहते हैं, इसमें सुरक्षित है। आज हम ये जानेंगे कि ये हड्डियां कितनी होती हैं। किसी को पता है? किसी को पता है कि ये जो आप इतनी सारी ये लाइनें, ये जो लाइनें दिख रही हैं गोल गोल, ये कितनी हड्डियां हैं? 33। नो स्ट्रॉन्ग, जोड़े होते हैं, जोड़े, जैसे यहाँ से शुरू होकर और पीछे तक। अच्छा बेटा, उस दिन मैंने एक पतली दुबली लड़की को आगे बुलाया था ना, तुम आगे, हाँ इसको बुलाया। हाँ, ये हड्डियां देखो, जैसे ये ढांचा है ना, ये वाला जैसे यहाँ पर है, जैसे इसकी ये बीचों बीच में है। देखो आप छुओगे बीचों बीच तो आपको ऐसे जोड़ दिखाई देगा, और थोड़ा और नीचे छुओ तो आपको लगेगा यहाँ जुड़ा नहीं है, यहाँ खालीपन है। तो वो हड्डी देखो यहाँ तक जुड़ी है, तो ये यहाँ से शुरू होके और ये यहाँ पीछे जो रीढ़ की हड्डी है ये वाली, इसके साथ जुड़ती है जाके। नहीं समझे आप लोग? देखो जैसे अगर ये एक रिब है, ये यहाँ से शुरू हुई तो ये यूं जाकर ऐसे पीछे जुड़ जाएगी, ये यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से जुड़ जाएगी। ऐसे 12 जोड़े होते हैं, और 12 जोड़े मिलके एक ये ढांचा बनाते हैं, एक पिंजड़े की शक्ल बनाते हैं। और इसके अंदर दो चीजें, हमारे फेफड़े और हृदय सुरक्षित रहते हैं। इसको आप लोग पसलियां भी कहते हो, हिंदी में पसलियां कहते हैं और उसमें इंग्लिश में रिब्स कहते हैं इसको। इसका मैं चित्र आपको बताती हूँ कैसे होता है। वक्ष की हड्डी, आगे ये जुड़ी होती हैं और पीछे किससे जुड़ी होती हैं? रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं। इसमें कौन से अंग सुरक्षित होते हैं? फेफड़े व हृदय की सुरक्षा करती हैं। वक्ष की हड्डियों में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं?
12 जोड़ी पसलियां, पीछे किससे जुड़ी होती हैं? इसका चित्र इसमें देखिए, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि आगे ये सारे जोड़े यहाँ जुड़े हैं और पीछे जो ये हल्की हल्की लाइनें दिख रही हैं, ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं। दिख रही है सब लोग अपने बुक में चित्र देखिए, बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हैं और आगे आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये खोखली रचना बन गई और इसके अंदर हृदय और फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। कितनी जोड़ी हैं? 12 जोड़ी घुमावदार, घुमावदार समझते हो, ऐसे मुड़ी हुई हड्डियां होती हैं। और एक पिंजड़ा बन तैयार, पिंजड़े को देखा है ना, कौन रहता है पिंजड़े में? शेर, शेर रहता है। हाँ, तो उसकी तरह ये हमारा हृदय और फेफड़े इस पिंजड़े के अंदर बंद रहते हैं। क्या हमें पसलियों का होने का कोई फायदा है? क्या फायदा है? अगर पसलियां ना हो तो हमारे हृदय को बार बार चोट लगती रहेगी और हमारे फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचता रहेगा, ये उनकी सुरक्षा करती। मैंने क्या बताया था, कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? आकृति और आकार प्रदान करना और हमारे शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना। अगर हड्डियां नहीं होंगी तो हमारे शरीर का कोई भी जो मुलायम अंग होते हैं, कोमल अंग होते हैं, वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। बार बार उनको झटका लगेगा, खून निकलेगा और वो अंग कार्य करना बंद कर देंगे। अब इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, पूरा याद हो गया है ना कि अगर और जो कितनी जोड़ी हड्डियां थी? 12 जोड़ी हड्डियां, घुमावदार लंबी हड्डियां हैं और इसका चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शुरू कहाँ से होती है? कूल्हे, ये जो तिकोनी हड्डी है हमारी कूल्हे की, यहाँ के बाद से शुरू होती हैं और आगे जुड़ी होती हैं। और इसमें फ्लोटिंग रिब्स भी होती हैं, लास्ट की जो 12वीं होती है ना, वो पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती है। तो इसीलिए जब फेफड़ों में हमारी हवा भरती है तो जो डायफ्राम है हम लोगों का, जो हड्डियों का ढांचा, वो फैलता है और सिकुड़ता है, क्योंकि वो पसलियां जब उसमें हवा भर जाती है तो दूर दूर हो जाती हैं, जब फेफड़ों से हवा बाहर चली जाती है तो पसलियां बाहर मतलब पास पास आ जाती हैं। जो आखिरी जोड़ी होती है पसलियों की, वो ठीक से जुड़ी नहीं होती है, वो हल्की हल्की जुड़ी होती है। इसी वजह से जो ये अगली क्लास में आप लोग जब श्वसन क्रिया में समझाऊंगी तब उसमें मैं बताऊंगी कि जो डायफ्राम होता है वो किस तरह से फैलता और सिकुड़ता है। और जब हम लोग का भी तो ये पेट का हिस्सा अगर हम लोग सोए होते हैं तो पता चलता है ना कि फूल रहा है फिर अंदर जा रहा है, फूल रहा है फिर अंदर जा रहा है। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी मेन हड्डी है वो है रीढ़ की हड्डी। कौन सी हड्डी है? रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है? पीछे। सब लोग अपनी पीठ पे हाथ लगाओ, बिल्कुल बीचों बीच हाथ लगाना और उसमें कुछ देखो ऐसे रॉड के जैसा लंबा पता चल रहा है और छल्ले 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 पता चल रहे हैं। अगर हम उन छल्लों को गिनने की कोशिश करेंगे तो कितने होंगे? 33। और एक हड्डी को क्या कहते हैं? देखो ये तो ऐसे सांप की तरह बनेगी, जो रीढ़ की हड्डी है ये इस तरह से एक ये होता है, बाकी ऐसे छल्ले छल्ले है ना, ये देखो चित्र भी है ना ऐसा है, एक जानवर के जैसी लग रही है लेकिन ये जानवर नहीं है, हड्डी है ये है? और देखो छल्ले छल्ले जुड़े हुए हैं सब आपस में है ना। तो ये छल्ले कितने हैं? 33। और एक हड्डी को क्या कहते हैं? कशेरुका। हमारी रीढ़ की हड्डी 33 कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है और इसमें जो लास्ट वाली कशेरुका होती है जहाँ पर हमारी पीठ बिल्कुल खत्म हो रही है, ये पूंछ की तरह लंबी होती है और इसको पुच्छल कशेरुका कहते हैं, क्योंकि ये पूंछ है, जैसे पुच्छल तारा होता है ऐसे पुच्छल कशेरुका, क्योंकि ये पूंछ बनाती है हमारे शरीर की, एकदम बाल के जितनी पतली हो जाती है लास्ट में। और जब भी आप कोई काम करते हो ना, तब झुक के काम करते हो, अगर ये हड्डी
ऐसे 33 जोड़ों से ना बनी होती और एक ऐसे देखो ये जो आज हम रॉड लाए हैं देखो ये इसमें कैसे छल्ले छल्ले लगे है ना, तो ये देखो ये तो कितनी हार्ड है, ये मुड़ नहीं सकती, नहीं मुड़ सकती, लेकिन हमारी हड्डी तो मुड़ जाती है। हम लोग इधर आओ, ये अभी सीधी खड़ी है बिल्कुल है, और ऐसे हाथों को नीचे तक टर्न करो मतलब झुको, हाँ ये देखो घुमाओगे ना पूरा तो क्यों मुड़ गई, क्योंकि ये ऐसे सीधी नहीं है, इसमें लचक है, जैसे लचक होती है ना स्प्रिंग में कैसे लचक होती है, तो इसमें लचक होती है, हम इसको जैसे चाहें घुमा सकते हैं, कभी तो बिल्कुल नीचे ही लेट जाते हैं, और जो आपने सर्कस में देखा है कैसे अपने को गोल कर लेते हैं, और वो नट्स को देखा है जो रस्सियों पे चलते हैं, वो अपने शरीर को कैसे गोल कर, वो सब इसके कमाल से है कि उनके लचक पैदा हो जाती है हड्डियों में और वो जैसे चाहे अपने शरीर को घुमा लेते हैं। जैसे इसमें फर्क ये है कि ये एक हड्डी नहीं है, अगर ये एक ऐसे हड्डी होती ना तो हम लोग हमेशा ऐसे ही रहते, न यो कर पाते, न यो कर पाते, न झुक के कोई सामान उठा पाते, और सबसे बड़ी बात हम लोग घर की सफाई न कर पाते। जब आप लोग पोछा करते हैं घर का तो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी काम आती है ना, झुक झुक के अंदर घुस घुस के कि लेट जाएंगे पलंग के नीचे पोछा करना है, तो इसीलिए हम लोगों की रीढ़ की हड्डी बहुत काम की है।